चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मशहूर टीवी एक्टर वैशाली ठक्कर ने इंदौर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। वैशाली ठक्कर एक साल से इंदौर में रह रही थी। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। यह रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस जैसे मशहूर सीरियल्स में वैशाली ठक्कर ने काम किया था। वैशाली ये आशिकी शो में भी दिखाई दी है। पंजाब के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में परिवार वालों से मुलाकात के दौरान अरोड़ा भावुक नजर आए। कोर्ट में पेशी से पहले श्याम सुंदर अरोड़ा का मेडिकल चेकअप भी कराया गया था। विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत देने के आरोप में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 50 लाख कैश बरामद करने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में जोरदार हंगामा हुआ। सोसाइटी में जबरदस्ती घुसने के लिए एक आदमी ने गार्ड की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आदमी गार्ड को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद मौके पर एक महिला पहुंची और फिर उसने मामले को शांत करवाया। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने गार्ड को पीटने वाले आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि गाड़ी चालक ने टोल देने से इनकार किया था, जिसके बाद टोल कर्मचारी और गाड़ी चालक के बीच की झड़प हो गई। और वहीं घटना के कुछ देर बाद टोल प्लाजा पर कुछ और लोग पहुंचे और टोल कर्मचारी से मारपीट भी करने लगे। पंजाब के गुरदासपुर में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। ड्रोन की मदद से गैंगस्टर की लोकेशन देखी गई, फिर घेरेबंदी करके गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई। इस मुठभेड़ के दौरान गांव के लोगों से घरों के अंदर रहने की भी अपील की गई थी। 8 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी, जिसका ड्रोन वीडियो अब जाकर सामने आया है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही सड़क किनारे गड्ढे में पेट्रोल फैल गया, जिसे लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोग डब्बे और बर्तनों में पेट्रोल भर कर ले जाने लगे। बताया गया कि पेट्रोल से भरे टैंकर को एक आदमी ड्राइवर और हेल्पर की तरह नजर से बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका टैंकर पलट गया, जिसके बाद आदमी भी मौके से फरार हो गया। यूपी के देवरिया में घाघरा नदी में आया तूफान, अब जो लहरें हैं वो उफान मारने लगी हैं, कहर बरपाने लगी हैं, जिसमें 36 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर से लेकर सड़क तक सब दरिया में तब्दील हो चुका है। वहीं लोग खाने पीने की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और प्रशासन से बाढ़ पीड़ित की मदद करने की भी गुहार लगाई। यूपी के मऊ में लगातार हुई बारिश के बाद सरयू नदी में आए उफान से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। तस्वीरों में भी कुछ लोग एक बीमार आदमी को टोकरी के आकार की किसी चीज पर बैठाकर सैलाब के बीचों बीच से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कई इलाकों में खुद ही नाव के सहारे गाँव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में लगातार हुई बारिश से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। गांव में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जहां पूरा गांव ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी घुस चुका है, तो वहीं लोग सुरक्षित जगह पर पलायन कर चुके हैं, जबकि जिले के कई गाँव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूपी के गोंडा में भी बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घर, खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी भरने की वजह से वहां रखा सामान भीग कर खराब हो गया है। बाढ़ से परेशान लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बनकर रह गई है। और यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ में खेत डूबने से किसान परेशान हैं। वहीं सैलाब की वजह से कई पुल टूट चुके हैं, जिसके आपको बता दें कि काफी नुकसान भी हुआ है। कई इलाकों के बीच संपर्क भी टूट चुका है। इस बीच ट्रैक्टर में सवार होकर कमिश्नर, डीएम और एसएसपी गांव के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कमिश्नर ने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बिहार के कटिहार में नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस नाव में 9 लोग सवार थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने 2 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया है, जबकि 7 लोग अभी भी लापता है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 7 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। बताया यह जा रहा है कि नाव में सवार कुछ लोग दूसरे इलाके से मजदूरी करके वापस घर लौट रहे थे।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि तीखी मोड़ पर बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस सवारियों से भरी हुई थी। आबकारी नीति पर दिल्ली में घमासान मच गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। नड्डा ने यह कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया से कल होने वाली सीबीआई की पूछताछ पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS की पढ़ाई वाला पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में हिंदी में कोर्स की किताबें लॉन्च की और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करने वाले, आपको बता दें प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी करने वाले बने हैं। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टर्स की टीम ने 4 महीने में रात दिन एक करके किताब को हिंदी में अनुवाद किया। देशभर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे कि अकाउंट खुलवाने, पासबुक प्रिंट करवाने, FD में निवेश करने जैसे कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में डिजिटल बैंकिंग एक और बड़ा कदम होने वाला है। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक की शुरुआत की। 4 दिनों तक होने वाली इस बैठक में 45 प्रांतों के 378 शीर्ष पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में देश की जनसंख्या में बढ़ रहे असंतुलन, महिला सहभाग को बढ़ाए जाने सहित समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिए जाने पर चर्चा होगी। बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जारी है और इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार कार्यकाल सौंपने पर मुहर लग सकती है। शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है। बैठक में जिनपिंग ने ताइवान में दूसरे देशों के दखल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है। साथ ही शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि हांगकांग में अराजकता थी जहां शासन की व्यवस्था थी। ईरान के तेहरान की कुख्यात एविन जेल में आग लगने के बाद हिंसा भी भड़क गई है। जेल में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया और इस दौरान जेल से गोलीबारी और सायरन की भी दूर दूर तक आवाजें सुनाई दी। T20 वर्ल्ड कप का आज बड़े उलटफेर के साथ आगाज हुआ। पहले क्वालिफाइंग मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से मात दी। नामीबिया ने श्रीलंका को 164 का टारगेट दिया था और उसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 108 रनों पर ही सिमट गई। नामीबिया के ऑलराउंडर्स ने मैच का पासा पलटा। चेन फ्लाइंग जीत के हीरो बने। अब 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा।